Hello, assalamu alaikum. I am Ramesh Haider and welcome to the first episode of Chit Chat with Me. So yeah, in this episode I'm gonna talk about myself and why I want to become an influencer. So let me tell you about myself first. I'm 20 years old. I'm gonna be 21 on October. And I'm doing media science from Accra University. So ये बात हो गई qualification की. I'm not doing any job. I'm just I used to do a job, but now I'm not doing any job. I am very what should I say? I want to be very kind. You know, किसी को hurt नहीं कर सकता मैं. अगर कोई hurt हो जाए मेरी वजह से, I just feel so bad. Okay, so I realized later कि मुझे anxiety problem है. मुझे कुछ चीज़ों से बहुत ज़्यादा खौफ सा आने लगता है और अचानक से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है एंड मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और एक ब्रेक डाउन की तरह सा ना मुझे फील होता है. तो ये एक प्रॉब्लम है मेरे साथ और आई एम कवरिंग इट. मैं इसको कवर कर रहा हूँ और कॉन्फिडेंस ला रहा हूँ खुद में और मैं बेहतर होता जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मैं बिल्कुल अपनी एंग्जाइटी पर कवर कर लूँगा. सो या I'm also not that kind of person जो खुद से मैसेज करे. ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार तुम मैसेज नहीं करते हो, तुम बात नहीं करते हो एंड ऑल दैट. तो पता नहीं क्यों मुझे बस अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, लाइक आइसोलेटेड जस्ट इन वन रूम और नो प्रॉब्लम एंड नो स्टाफ. और कभी कभी मुझे लगता है यार मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी शख्स की ज़रूरत है, मुझे बात करनी है किसी से. अगर कोई मुझे अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उसे सिंपथी नहीं एम्पथी देता हूँ. सो सिंपथी का तो मैं सोचता भी नहीं, यू नो. तो मैं खुद को उसकी जगह पे फिट करता हूँ एंड देन मैं सोचता हूँ. और आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर चीज़ को एक्सप्रेस करता है. तो अगर मैं किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ तो बहुत सारे लोग हैं वो भी किसी ना किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और उनको अंडरस्टैंड करना मेरे लिए बहुत ईजी है. एंड यू नो वर्ड, आई जस्ट वन सर्व फॉर देम. जो भी मुश्किल में है मेरा दिल करता है बस मैं उनकी मदद कर दूँ किसी तरह से. अगर जिस तरह से मैं सैड हूँ कोई और सैड ना हो. सो दैट्स वाई आई लाइक टू हेल्प अदर्स इन लाइक मेंटली. जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि यार मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आई एम अगली एंड आई वॉज लाइक What the hell? You are beautiful. You are amazing. Allah Taala ne aapko banaya hai and you can't just say that I'm ugly. Okay? So ye baat mujhe samajh nahi aati hai jo log bolte hain apni pictures post karke ugly AF ya I'm ugly, look at that. Ye mujhe baat samajh nahi aati. You are beautiful. You are amazing. It doesn't matter how you look and to be honest, you are unique. If you feel anything different, that means you are unique, and unique is beautiful, you know. I was talking to my sister, she was at my home, and we were just having a chat, like, mere itne followers hain, tumhare itne followers hain, and she has, she is doing blogging, so put her Instagram in the caption, go and check her out, and she's doing amazing. She told me ke mujhe bhi na blogging karni chahiye. I was used to just post only TikTok videos on my Instagram, no pictures at all. So yeah, इस तरह से मैंने फिर ब्लॉगिंग में स्टार्ट किया. मैं तीन पोस्ट डाले और उन तीनों के कैप्शन डाले लाइक अपना ब्लॉग बना के कि आई वॉन्ट टू बी लाइक फैशन ब्लॉगर. और फिर ये सब मेरे जहन में चल रही थी बातें कि यार चलो फैशन ब्लॉगर बनते हैं, मेंस फैशन ब्लॉगर बनते हैं, लाइफ स्टाइल के बारे में बात करते हैं. सो इस तरह से मैंने ब्लॉगिंग अपनी स्टार्ट की. इन्फ्लुएंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ कि मुझे कुछ लोग मिले, कुछ ऐसे टीनेजर मिले, कुछ ऐसे बच्चे मिले, कुछ ऐसे लड़के मिले जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार थे. इवन मुझे कुछ ऐसे मैसेज आए कि यार आई एम वेरी सैड एंड आई जस्ट वांट टू डू सुसाइड एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक, आर यू किडिंग मी. एंड आई वाज लाइक नो वे, यू आर नॉट गोना डू दैट. और इसी तरह बात करते 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 आई मेड दैट पर्सन रियलाइज कि उसकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है उसके लिए. तो इस तरह से मुझे बहुत खुशी मिली. यू नो, आपने किसी के सुसाइडल थॉट्स आपने वो हटा दिए, आपने वो वैनिश कर दिए एंड इट्स
very beautiful, you know, it's amazing. और ये जो मैंने फील किया, सो आई जस्ट थॉट कि वाई नॉट टू बी एन इन्फ्लुएंसर. सो या, सो हियर आई एम, आई जस्ट वांटेड टू बी एन इन्फ्लुएंसर, अ वेल नोन इन्फ्लुएंसर. सो या, ओके, एट फर्स्ट आई यूज्ड टू वेरी टेक केयर ऑफ लाइक लोग क्या कहेंगे, लेकिन अब ऐसा है कि आई डोंट केयर, लोगों को जो बोलना है बोलिए, ठीक है. अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से इग्नोर कर लेता हूँ, जो मैं पहले नहीं करता था, क्योंकि पहले मैं आई हैव बीन बुलीड एक्चुअली. मेरा नाम रामेश हैदर है और मैं अपने नाम की वजह से ना बहुत ज़्यादा बुली किया गया हूँ. लाइक मेरा नाम बच्चे बहुत ख़राब कर देते थे, कोई रमेश बोलता था, कोई रिमशा बोलता था, कोई रामशु, कुछ अजीब अजीब से नाम मुझे दे देते थे. और बचपन में चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती थी. और इवन मुझे याद है, अभी भी मेरी मम्मा मुझे बताती हैं कि मैं लड़ता था कि यार मेरा नाम चेंज कर दें. सो या, बट नाउ आई जस्ट लव माय नेम, इट मेक्स मी फील सो यूनिक. आई हैव बीन बुलीड अ लॉट, नॉट ओनली फॉर माय नेम, फॉर माय अपीयरेंस. एंड पहले मैं बहुत ज़्यादा चंपू होता था, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम. आई हैव चेंज एंड आई एम वे बेटर. और आई गेस शायद बुली से भी आप बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हो. एंड आई कैन जज एनीवन, बट स्टिल देयर इज सम टाइप ऑफ पीपल जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते, या एंड आई डोंट नो, आई जस्ट कैन डील विद दैम. सो इन माई नेक्स्ट एपिसोड आई एम गोना टॉक अबाउट दैम, बट आई एम ऑल्सो गोना शेयर वन स्टोरी अबाउट माई लाइफ एंड विद द पर्सन, जिसकी वजह से आई एम अ बिट डिफरेंट नाउ और मेरी सोच में काफ़ी डिफरेंस आया है. सो आई एम गोना टॉक अबाउट दैट इन माई नेक्स्ट एपिसोड. Till then, khuda hafiz, stay home and stay safe.